मेरी ड्रेस भी पिंक, मेरी क्लिप्स भी पिंक, मेरा स्क्रंची भी पिंक, रेड है, छोड़ो सब कुछ पिंक पिंक। Hey guys, my name is Saanvi and welcome back to my channel Saanvi's Wonderland. तो आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, आप आई होप आप लोग भी अच्छे हों। सो मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? एक्साइटेड हूँ। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ अपनी क्वाइट बुक्स। सो क्वाइट बुक्स तो आप सबने देखी होगी कहीं पे मार्केट्स वगैरह में एंड यूट्यूब वीडियोस में, मैं भी देखी हूँ, लेकिन मैंने ये क्वाइट बुक्स फुल हैंडमेड पेपर से बनाई है। उसमें किसी भी फेल्ट फैब्रिक का यूज़ नहीं हुआ, वो सारा मैंने पेपर से बनाया है। लेकिन इसके पहले, दिखाने के पहले, आपको भी एक छोटा सा काम करना है। मैंने ये बनाने में इतनी मेहनत की, तो अब आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, एंड फाइनली अब आप जाके वीडियो एंजॉय कर सकते हो। वेट गाइज, अभी कहीं मत जाना, अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आप सबको बतानी है। तो अभी मैं शाउट आउट देना बंद कर रही हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जिन फ्रेंड्स को मिल जाता है वो लोग कभी कभार बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, एंड कभी कभार मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको शाउट आउट मिल जाता है तो मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, एंड बहुत सारे लोगों को शाउट आउट नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। सो आप लोग तो मेरी इतनी अच्छी फैमिली हो, तो मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, मैं आप लोग को सैड नहीं देख सकती, इसलिए मैंने कुछ टाइम के लिए शाउट आउट देना बंद कर दिया है। बुक है माई रूटीन क्वाइट बुक, जो कि एक टाइनी छोटी सी मिनी क्वाइट बुक है, लेकिन ये जितनी छोटी लग रही है इसको बनाने में उतनी मेहनत लगी थी। एंड गाइस, ये इतनी छोटी है तो इसके कुछ पार्ट्स बहुत छोटे हैं, तो मैं उसके लिए एक ट्वीज़र का यूज़ कर रही हूँ निकालने के लिए। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्यूट इसका कवर पेज है, एंड ये वैसे सेम तरह से ओपन होएगी, एंड इसका जो लॉक है इस पर से हार्ट्स बने हैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट से। सो चलो हम इसको ओपन करके, वाह, हम अपने डॉल के रूम में पहुंच गए हैं। लेकिन ये क्या, हमारे डॉल तो एक आई मास्क लगा के सो रही है। ओ, यहाँ तो नाइट हो रही है, ज़्यादा देर सोना अच्छी बात नहीं होती। सो हम ऐसा करते हैं कि सुबह कर देते हैं, लेकिन सुबह इसको चांद सितारे थोड़ी ना दिखेंगे। सो हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। सो आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ अ ट्वीज़र, हम इसको निकाल लेंगे जो हमारे मून्स एंड स्टार्स हैं, क्योंकि सुबह हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं, एंड इसके पीछे सन क्लाउड्स हैं, तो हम अभी सन और क्लाउड्स को डाल देंगे। तो आप देख सकते हो मैं ऐसे इसको डाल रही हूँ। सो ये अंदर चले गए, एंड हो गई हमारी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग हो गई है तो हमारी डॉल सो क्यों रही है? चलो हम उसे उठाते हैं। तो ये अपनी एक रेनबो ब्लैंकेट में, एंड गाइस मैं आपको बताऊँ मैंने इसकी रेनबो ब्लैंकेट क्यों बनाई, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी सेम रेनबो ब्लैंकेट है जो कि मेरी फेवरेट है। सो मैंने सोचा कि मैं अपने डॉल के लिए भी ऐसी ब्लैंकेट बनाती हूँ, एंड रेनबो मेरे डॉल को बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हम इसका आई मास्क हटाते हैं, एंड उसको हम अपने ड्रॉयर में डाल देंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जिसने हमें गुड मॉर्निंग बोला, एंड इसने कुछ ऐसा स्ट्रेट नाइट सूट टाइप्स, कुछ नाइटी टाइप का पहना हुआ है, एंड इसकी यहाँ वार्डरोब है, एंड इसका जल्दी से हमें रूटीन पूरा करना होगा बिकॉज इसको ऑनलाइन क्लासेस भी करनी है। सो चलो पहले जल्दी से इसको ब्रश कराते हैं। सो हम इसको अभी सिंक में ले चलते हैं। सो ये सिंक में आ चुकी है, एंड हम इसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे अपने डॉल को सिंक के पास, यहाँ ऐसे रख दे रही हूँ, एंड ये हमारा टूथपेस्ट निकल गया, एंड अब मैं इसका टूथब्रश भी निकाल सकती हूँ। आप देख सकते हैं ये इसका क्यूट सा टूथब्रश है। तो अब हम अपने टूथब्रश पे थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा देंगे, एंड टूथपेस्ट को वापस से होल्डर में रख देंगे, एंड अब हमारी डॉल ब्रश करेगी। सो मैं टैप ऑन कर देती हूँ, ये हॉट वाटर है या कोल्ड वाटर है? सो अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं तो हम कोल्ड वाटर चलाते हैं। ये पानी आ गया, सो हमारी डॉल ने ब्रश कर लिया है। तो अब हम अपने ब्रश को वापस से होल्डर में टूथपेस्ट के साथ रख देते हैं। सो गाइस, अब हमारी क्यूट लिटिल डॉली जाएगी बात करने। सो इसका बाथटब हमारे इसके रूम के
इस साइड में है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी रेनबो टॉवल लगी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको रेनबो बहुत पसंद है एंड इसका शैम्पू रखा है एंड सोप रखा है। आज इसको जल्दी, इसे एकदम जल्दी जल्दी नहाना होगा वरना लेट हो जाएगी, क्योंकि आज इसको शैम्पू भी करना है। सो ये रही हमारे डॉल, अब हम इसके क्लोथ्स उतारेंगे एंड साइड में रख देंगे एंड ये आ चुकी है अपने स्विम सूट में एंड अब ये बाथटब के अंदर जाएगी। आप देख सकते हैं बाथटब के अंदर और बाहर भी आ सकती है। ये इसका फेवरेट रबर डक है जो कि इसको नहाने के साथ उसे बहुत पसंद है। अब मैं शावर ऑन कर देती हूँ। सबसे पहले ये थोड़ा सा बॉडी सोप लगाएगी, आप देख सकते हो, एंड अब ये थोड़ा सा शैम्पू लगाएगी। सो गाइस, इसने नहा लिया है तो मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ एंड ये रही इसके टॉवल जिससे मैं इसको सुखा देती हूँ। इसको मैं कुछ ऐसे तरह से लपेट दूँगी, जैसे हमारी मम्मी जब हम निकलते हैं तो हमारी टॉवल रेडी रखते हैं एंड वो हमें ऐसे ही टॉवल में लपेट देती हैं। सो अब ये अपने ड्रेस को हमें वॉश भी करना होगा, बिकॉज जब ये फिर से सोएगी तो इसको यही ड्रेस फिर से पहननी होगी क्योंकि इसके पास एक ही नाइट सूट है। ते हैं वॉशिंग मशीन के पास। सो ये है हमारी क्यूट सी छोटी सी वॉशिंग मशीन। यहाँ पे हमारा वॉश डिटर्जेंट है एंड हम अपनी वॉशिंग मशीन को ओपन करेंगे, इसकी ड्रेस को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देंगे एंड उसको वॉश होने देंगे। सो अभी इसको वॉश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम जाते हैं इसको क्लोथ्स वगैरह पहना देते हैं। ये अपनी टॉवल को साइड में रखेगी इसके बेड के ऊपर एंड अब हम इसकी वार्डरोब खोलेंगे। तो अभी इसके पास एक ही ड्रेस है गाइस, क्योंकि ये मैंने अभी कुछ डेज पहले बनाई है, तो मैंने अभी इसके लिए एक ही ड्रेस बनाई है। तो मैं जल्दी जल्दी करके और भी ड्रेसेस बनाऊँगी। सो अभी ये है इसकी एक मजेंटा एंड रेड कलर की ड्रेस जिसपे कि येलो बो लगा हुआ है एंड ये इस पर बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगी आई थिंक। सो मैंने इसको पहना दिया, यानी कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो अभी हमारे पास हैं टू बोज और टू बंस हेयर स्टाइल के लिए। सो हम इसको बंस भी लगा सकते हैं, बोज भी लगा सकते हैं। सो ऐसा करते हैं हम दोनों ही लगा देते हैं। सबसे पहले मैं टू बंस वाली हेयर स्टाइल लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये हेयर स्टाइल पर्सनली बहुत अच्छी है। मेरी मम्मा ये हेयर स्टाइल मुझ पर बहुत अच्छी बनाती है। सो मैंने सोचा अपनी डॉल के लिए भी यही हेयर स्टाइल चूज़ करूँ एंड ये टू बोज। जब मैं भी ये हेयर स्टाइल बनाती हूँ तो मैं भी ऐसे हेयर क्लिप्स लगाती हूँ। इसने बो वाली लगाई है, मैं तो फ्लावर वाली लगाती हूँ, आपको पता ही होगा वो फ्लावर वाली क्लिप्स मेरी कितनी फेवरेट हैं। सो ये है इसका हेयर स्टाइल लुक। सो अब हम इसकी वार्डरोब को क्लोज करेंगे एंड ये बैठ जाएगी अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने बेड पे। आप देख सकते हैं बैठ चुकी है, लेकिन हम तब तक इसकी टॉवल रख देते हैं क्योंकि हमें चीज़ें अपनी जगह पे रखनी चाहिए। तो हम जाते हैं बाथरूम में एंड अपनी टॉवल को हम अपने टॉवल स्टैंड पे लगा देंगे। सो ये रही हमारी डॉल जो कि अपने सेटअप के लिए तब से वेट कर रही है। तो हम इसका सेटअप लगा देते हैं। सो यहाँ इसकी स्टडी शेल्फ है जिसमें इसके स्टडी करने के सप्लाईज हैं। सबसे पहले मैं इसका लैपटॉप निकालूंगी, बिकॉज आप तो जानते ही हो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो हमारी डॉल थोड़ी ना स्कूल जा पाएगी। तो ये है इसका मिनी एप्पल का लैपटॉप। इसको मैं ओपन करके इसका मीटिंग कोड डाल के इसको ज्वाइन करा देती हूँ। तब तक हम इसका स्टडी सप्लाईज निकालते हैं। सो ये है एक पॉकेट जिसमें इसके स्टडी सप्लाईज रखे हैं। सो सबसे पहले यहाँ इसकी पेंसिल रखी हुई है रेड कलर की एंड इसकी मैथ्स की नोटबुक है क्योंकि आज इसका मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्लास है एंड इसकी इंग्लिश की नोटबुक भी है एंड ये बहुत टाइनी टाइनी छोटी छोटी सी नोटबुक्स हैं। ये वेट करते हैं जब तक हमारी डॉल की ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होती है। हम अपने जो हमने ड्रेस धुलने के लिए डाली थी उसको बाहर टांग देते हैं। सो ये हमारी ड्रेस बहुत अच्छे से धुल चुकी है, एकदम नीट एंड क्लीन नई जैसी हो चुकी है एंड अब ये हमारे जो हैंगर्स हैं हम इसको इस पर हैंग कर देंगे। देखो हमारी डॉल की क्लासेस फिनिश हो गई हैं एंड अब इसके सोने का समय हो गया है तो हम वापस से इसका ड्रेस व्रेस चेंज कर देते हैं। सो सबसे पहले हम इसके वार्डरोब के पास आएंगे एंड जो हमने इसके हेयर स्टाइल्स बनाए थे उसके हम हेयर स्टाइल्स के इसके सारे एक्सेसरीज निकाल के रख देंगे। देख सकते हो मैंने इसके बंस भी रख दिए एंड इसकी ड्रेस तो अभी अपने स्विम सूट में आ गई है एंड अब हम इसके सारे ऑनलाइन क्लासेस के सप्लाईज रखेंगे। इसका आई मास्क बाहर निकालेंगे एंड ये हमारी जो कॉपीज़ हैं इसको हम वापस से अपनी स्टडी शेल्फ में रखेंगे। आप देख सकते हो मैं ऐसे रख रही हूँ
ना हम इसको वापस यहाँ स्टिक कर देंगे एंड चलिए इसको इसकी नाइट ड्रेस वापस से पहना देते हैं। आई थिंक सूख गई है, ये स्काई से सूख चुकी है अच्छे से, तो मैंने इसको इसकी नाइट ड्रेस वापस से पहना दी है। एक मिनट गाइस, इसने तो अभी तक खाना ही नहीं खाया एंड ये पहले ही सोने चली गई। ऑनलाइन क्लास करके इसे खाना भी तो खाना होगा। सो अभी है हमारी टेबल, डाइनिंग टेबल, इस पर ये खाना खाएगी। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे बैठा देते हैं एंड ये आज इसका फेवरेट खाना है, इसको वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये इसकी प्लेट है जिसमें हम ये वाटरमेलन को रख देंगे एंड अब अपना वाटरमेलन को खा लेगी। तो अभी अपने वाटरमेलन को खा लेगी। वाह, इसने तो अपना वाटरमेलन फिनिश भी कर लिया। सो गाइस, इसने अपना वाटरमेलन भी खा लिया एंड इसने दोबारा से ब्रश भी कर लिया एंड अब मैं इसको इसका आई मास्क पहना दूंगी एंड अब हम इसको इसकी बेडशीट, इसके ब्लैंकेट में, कोजी ब्लैंकेट में डाल देंगे। ओ, ये तो सो ही गई, जैसे ही मैंने इसको बेड पर रखा है तो तुरंत ही सो गई। तो अब हम इस डे को नाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो मैं इस डे को निकाल के नाइट में कन्वर्ट कर दूंगी। सो गाइस, हमारी क्वाइट बुक अभी यहीं पे ख़त्म हो गई। अब आप सोच रहे होगे मैं धीरे क्यों बोलने लगी। गाइस, हमारी डॉल सो रही है, उठ गई तो नाक में दम कर देगी, इतनी शरारत करेगी। गाइस, कैसी लगी आपको मेरी नीट क्वाइट बुक? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मुझे मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी मेरी क्वाइट बुक्स। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो मुझे ज़रूर से बताना, मैं आपके लिए ज़रूर ट्राई करूंगी ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। सो गाइस, मैंने इतनी मेहनत से क्वाइट बुक बनाई, आपको दिखाई, तो आप भी इतना छोटा सा काम कर दो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिससे हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए। सो गाइस, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।